Addressing the nation on the eve of seventy-fifth anniversary of India's independence, President Jopati Murmu on Sunday extended her heartiest greetings and advance to all Indians in the country. Murmu said that it should be our collective to resolve to fully realize the dream of our freedom fighters by twenty forty seven, when the country will celebrate a century of years as an independent nation. विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है 15 अगस्त उन्नीस के दिन हमने ऊपनिवेशी शासन की बेडियों को काट दिया था उस दिन हमने अपनी नियति को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया था उस शुभ दिवस की मनाते हुए हम लोग सभी स्वाधीनता सेनानियों को सादर नमन करते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि हम सब एक स्वाधीन भारत में सांस ले सके भारत की आजादी हमारे साथ साथ विश्व में लोकतंत्र के हर समर्थक के लिए उत्सव का विषय है जब भारत स्वाधीन हुआ तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के विषय में आशंका व्यक्त की थी उनकी इस आशंका के कई कारण भी थे उन दिनों लोकतंत्र आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्र तो ही सीमित था विदेशी शासकों ने वर्षों तक तो भारत का शोषण किया था इस कारण भारत के लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे थे लेकिन भारतवासियों ने उन लोगों की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की जोड़े लगातार गहरी और मजबूत होती गई